आप मेरी लवली हो। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्नम विराजित पदाम्बुजम् वेदांताम्बुजमार्तंडम् तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरो अधिकं तत्त्वं न गुरो अधिकं परम गुरो परतरं नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं भारतिककारं अन्यान अस्मद् गुरुन संतत मानतोस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम् विदुः। ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है अर्थात छोड़ जाता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वेद को पढ़ाने वाले गुरु सो वेद त्रिकांडमय है। कर्म उपासना ज्ञान वेद की पहली कक्षा कर्म है, दूसरी भक्ति है, तीसरा ज्ञान। तो भगवान राम इन तीनों कक्षाओं को बताते हैं। विष्णु भगवान के अवतार हैं, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। तो अपने अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के धर्मों को राम ने सम्यक प्रकार से बताया। पिता पुत्र का धर्म, पति पत्नी का धर्म, मित्रों का धर्म और गृहस्थ धर्म, सभी धर्मों का भगवान ने करके बताया। अब भगवान भक्ति करते हैं और भक्ति की शिक्षा दूसरों को भी देते हैं। तो भगवान भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी ममृति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुरु गुण गण, करे तप कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सप्तम सब मोह मैं जग देखै,
मोते अधिक संत कर लेख है। आठव यथा लाभ संतोषा सपने हु नहीं देख है पर दोषा। नवम सरल सब सोचल हीना मम भरोस ही हर्षन दीना। इन नवधा भक्ति का निरूपण किया तो पहली भक्ति में तो भगवान ने यही बताया कि संतों का संग करें। संतों का संग करेगा तो संत मेरा ज्ञान कराएंगे। मेरी कृपा से संतों ने मेरे वास्तविक स्वरूप को जान लिया है। मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप, सगुण निराकार स्वरूप, सगुण साकार स्वरूप। संत लोग मेरे भक्त हैं, इसलिए मैंने अभी अपने भक्त संतों को, साधु ब्राह्मणों को अपना सब स्वरूप अच्छी प्रकार से बता दिया है। तो मेरी माया उनको भ्रमित नहीं करती है। जैसे नट की माया नट के सेवक को नहीं भ्रमाती, नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापय माया। नट के सेवक को नट की माया नहीं व्यापती है, क्योंकि नट अपनी सारी माया अपने सेवक को बता देता है। इसलिए सेवक भी नट की माया से भ्रमित नहीं होता, और देखने वाले जो दर्शक होते हैं नट की माया को देख करके और वो भूल जाते हैं, नट की माया में ही भूल जाते हैं, वो नहीं पहचान पाते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अर्जुन, ये मेरी जो माया है ये अत्यंत दुरत्य है, इसका पार पाना बहुत कठिन है। परंतु हे अर्जुन, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण लेते हैं वो मेरी कृपा से मेरी माया को पार कर जाते हैं, क्योंकि मैं अपनी सारी माया उनको बता देता हूं। इसलिए मेरी माया मेरे भक्त को नहीं व्यापती। इसीलिए भगवान पहली भक्ति में अपने भक्तों का, संतों का संग बता रहे हैं। उनका संग करोगे तो वो मेरे स्वरूप को भी बता देंगे और मेरी माया को भी बता देंगे। तो उनको मेरी माया नहीं व्यापेगी। इसलिए सबसे पहली भक्ति भगवान ने संतों का संग ही बताया। और संग का अर्थ होता है सज्जनों आसक्ति, संगो आसक्ति ही। अत्यंत आसक्त हो जाना उसको संग कहते हैं। जैसे गृहस्थ लोग, संसारी लोग माता पिता स्त्री पुत्र परिवार में ऐसे आसक्त होते हैं तो उनसे छोड़ा ही नहीं जा सकता है, और जो छोड़े तो दुख का अनुभव करते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते कभी। उस संग में ही सुख मानते हैं और छोड़ने में सुख नहीं मानते, दुखी होते हैं। इसी प्रकार से संतों का भी संग समझना चाहिए।
संतों के संग से ही सुख माना है और संतों को छोड़ने में बिछोड़ने में दुख का अनुभव करे। संतों का संग ना छोड़ा जाए। ऐसा संग करे संतों का ये संग का अर्थ होता है सज्जन। यही पहली भक्ति है। जैसे अपने माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र परिवार में प्रेम था, ऐसा ही प्रेम संतों में हो जाए जो छोड़ ना जा सके। ये संत संग का अर्थ है सज्जनों। अब भगवान दूसरी भक्ति बताते हैं। दूसरी मम रति कथा प्रसंगा, फिर उन्हीं संतों से मेरी कथा सुने। भगवत स्वरूप कथनम कथा, भगवान का निर्गुण निराकार सगुण साकार सब प्रकार का स्वरूप श्रवण करना भगवत कथा होती है सज्जनों। तो भगवान की कृपा से संत भगवान के सगुण साकार व निर्गुण निराकार दोनों स्वरूपों को जानते हैं, और जो जानता है वही कथन भी कर सकता है, और जो नहीं जानता है वो कथन क्या करेगा सज्जनों। तो संत लोग भगवान राम कहते हैं मेरी कृपा से वो जानते हैं, इसलिए वो मेरे स्वरूप का सम्यक प्रकार से निरूपण कर सकते हैं। वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत में मैंने अपना स्वरूप बताया है, सो उन्हीं शास्त्रों के द्वारा मेरी कृपा से संत लोगों ने मेरे सभी स्वरूपों को जान लिया है। तो इन्हीं गीता रामायण भागवत के द्वारा संत लोग मेरा स्वरूप कथन करते बताते। सबसे उत्तम साधन भगवान के ज्ञान का भगवान की भक्ति ही है, कथा ही है, कथा श्रवण करना ये दूसरी भक्ति है। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के साप से सातवें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु होनी थी, तो जब उसको ये पता लगा कि सातवें दिन तक्षक सांप के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने घर बार छोड़ करके और गंगा के किनारे जा बैठा। जब ऋषियों ने सुना कि धर्मात्मा राजा परीक्षित के समान इस समय कोई नहीं है, तो तमाम ऋषि मुनि भी गंगा के किनारे राजा के पास में गए। राजा ने सब महात्माओं को प्रणाम किया और अपने कल्याण की बात पूछी। तो सभी महात्मा अपने अपने बुद्धि और ज्ञान के अनुसार उनको साधन बताने लगे। उसी समय कहीं से घूमते फिरते सुखदेव जी आ पहुंचे, परंतु वो एक जगह टिकते नहीं थे, ठहरते नहीं थे। आ गए, देखा
और देख करके चल दिए। और सब ऋषियों ने सोचा यदि सुखदेव जी रुक जाएं और राजा परीक्षित को कथा सुनावे तो शीघ्र ही इनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि राजा परीक्षित को सम्यक ज्ञान प्रदान सरलता से सुखदेव जी ही कर सकते थे। और सभी ऋषि मुनि सुखदेव जी अपने से श्रेष्ठ जानते थे, क्योंकि बहुत से ऋषि गृहस्थ थे और सुखदेव जी विरक्त थे। सर्वत्र विचरा करते थे, एक जगह नहीं रुकते थे और दिगंबर रहते थे। तन में कोई वस्त्र नहीं, लंगोटी भी नहीं, और इतने सुंदर थे कि जो उनको देखता था उनके पीछे हो लेता था। एक समय वो दोपहर में भिक्षा लेने गांव में जाते थे और भिक्षा लेकर के खा लेते थे, फिर गंगा के किनारे किनारे विचरते रहते थे। गांव के लड़के स्त्रियां मनुष्य सब उनको पछिया लेते थे, उनके पीछे पीछे चले जाते थे, परंतु सुखदेव जी तो पीछे देखते ही नहीं थे। इस प्रकार से वो घूमते फिरते आ गए थे गंगा के किनारे जहां राजा परीक्षित और ऋषि लोग बैठे थे, तो विरक्त थे। पर जब सब ऋषियों को देख लिया और देख करके फिर आगे बढ़े, तब नारद जी भी त्रिलोकी में घूमा करते थे। उन्होंने देखा कि सुखदेव जी यदि रुक जाते तो राजा परीक्षित का कल्याण हो जाता, क्योंकि सभी ऋषि महर्षि कोई तपस्या की बात बताते हैं, कोई योग की बात बताते हैं, कोई कर्म योग बताते हैं, कोई भक्ति योग बताते हैं, कोई अष्टांग योग बताते हैं, कोई मंत्र योग बताते हैं कि मंत्र जपो। सज्जनों, जीवन के तो केवल 7 दिन ही थे, अब किसकी किसकी बात वो सुने, सभी ऋषि ऐसे ही बताते थे, एक बात सब मिलकर नहीं बताते थे, इतना समय नहीं था। तो नारद जी ने सोचा यदि सुखदेव जी रुक जाए तो राजा परीक्षित का काम बन जाएगा। तो जब सुखदेव जी आगे चले तो पीछे से नारद जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े और प्रणाम करके कहा हे विरक्त शिरोमणि, हे सुखदेव जी। कृष्ण का जैसा स्वरूप था उनका, इतना सुंदर थे, और उनका एक नाम भी कृष्ण है, कहा मेरी कुछ प्रार्थना है सो सुन लो। सुखदेव जी खड़े हो गए और नारद जी को प्रणाम किया और कहा कहिए देवर्षि नारद क्या कहते हो। कहा आज मैंने एक ऐसी घटना देखी, सो बड़ी विलक्षण थी। कहा कैसी घटना थी। कहा एक अंधा वन में जा रहा था, आगे एक अंधा कुआं था,
जिसमें पानी नहीं था, पानी सूख गया था, और उसमें झाड़ी झंकार उग गए थे, जग गए थे, और उसमें बड़े बड़े नाग सर्पों ने अड्डा जमा लिया था। एक आंख वाला भी जा रहा था, परंतु उस आंख वाले ने उस सूरदास को कुआं से गिरने से न बचाया, न बताया कि सूरदास जी आगे कुआं है, दाएं से जाओ, नहीं तो कुआं में गिर जाओगे, सामने मत जाओ। क्योंकि सूरदास को आंख तो होती नहीं है, किसी के बताने से ही वो समझ जाता है कि दाएं चलो, बाएं चलो, सामने चलो। तो किसी जानकार की वाणी ही उसकी आंख होती है, जैसा वो बताए वैसा ही वो चलता है। परंतु उस आंख वाले आंख होते हुए भी उसने न बताया उसको, वो बेचारा गिर गया। तो आप ये बताइए, किस अंधे का दोष है कि आंख वाले का दोष है, दोषी कौन है इनमें? सुखदेव जी ने कहा आंख वाला दोषी है, क्योंकि वो तो देख रहा है ना कि सामने कुआं है। सूरदास तो नेत्रहीन होने से बेचारा देखता नहीं है, तो उसको बचाना आंख वाले का काम था। तो नारद जी ने हाथ जोड़कर सुखदेव जी से कहा कि प्रभु, राजा परीक्षित को इस समय देखता नहीं है, उसको ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, वो संसार रूपी कूप में, ये अंधे कूप में गिर जाएगा बेचारा। और आप हैं आंख वाले, आप उसको निकाल सकते हैं, बचा सकते हैं, न गिरने पाएगा यदि आप बता दोगे, क्योंकि आपके ज्ञान नेत्रों से आपको भवसागर से पार होने का, अंधकूप में न गिरने का ज्ञान है। आप भगवत तत्व बता करके उसको निकाल सकते हो प्रभु। नारद जी तो वचन बोलने में बड़े तर्क वितर्क से किसी को भी अपने अधीन कर लेते थे, परंतु परोपकारी थे, दूसरों के हित में ही सब लोगों में घूमा करते थे, अपना उनका कोई प्रयोजन नहीं। जिसको दुखी देखते उसी को दुख निवृत्ति का उपाय बताने लगते, और जो अपने को नहीं सूझता उपाय तो उनके पास जाते जो जानते हैं, या भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते, या ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते, या शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं, और दुखियों का दुख सुनाते कि प्रभु ऐसा स्वर्ग में या मृत्यु लोक में कोई दुखी है और कोई उपाय नहीं दिखता, आप उसको बचाओ, दुख से उद्धार करो। नारद जी संत थे, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कह न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, और पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। तुलसीदास जी कहते हैं संतों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। नवनीत कहते हैं मक्खन को, जिसे मक्खन बहुत कोमल है, थोड़ी सी आंच लगे तो वो पिघल जाता है मक्खन।
परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कवियों ने तो ऐसा ही कहा है, संतों के हृदय को नवनीत से नवनीत मक्खन के समान कोमल बताया, परंतु मेरे मत से तो ऐसा लगता है कवियों ने कहा तो है पर कहते नहीं बना। कहा क्यों नहीं कहते बना है? कहा निज परिताप द्रवय नवनीता, नवनीत को जब स्वयं अपने में गर्मी लगती है तब वो पिघलता है। और संतों का हृदय कहा पर दुख द्रमह संत सुपिनीता, दूसरे के दुख देख करके और ये पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, रहा नहीं जाता कैसे इसका दुख दूर करूं। इसलिए मक्खन से भी अति कोमल, अपने दुख से वो दुखी नहीं होते हैं और मक्खन तो अपने ताप से दुखी होता है और पिघल जाता है, संत तो दूसरे का दुख देख करके पिघल जाते हैं। तो ऐसे थे नारद जो वास्तविक संत होते हैं, वो दूसरे के दुख को सहन नहीं करते, स्वयं दुख दूर कर सकते हैं तो कर देते हैं और नहीं तो उसके पास जाते हैं जो दुख दूर कर सके, उपाय सोचते हैं। ऐसे संतों का हृदय होता है सज्जन। तो सुखदेव जी से प्रार्थना किया नारद जी ने कि प्रभु राजा परीक्षित का कल्याण करने में आप ही समर्थ हैं इस समय, क्योंकि उसके थोड़े दिन हैं, तपस्या करे तो बहुत समय लग जाएगा, हजारों वर्ष लग जाते हैं तब भगवान का दर्शन होता है, इतना समय है नहीं। तो सुखदेव जी रुक गए भाई। सुखदेव जी ने भगवान की कथा सुनाई भागवत के माध्यम से, क्योंकि भगवान की कथा तो सभी वेदों में है, शास्त्रों में है, पुराणों में है, गीता में है, भागवत में, सब में भगवान की ही कथा बताई गई, माने भगवान का ही स्वरूप बताया गया है। परंतु भागवत के माध्यम से सुखदेव जी ने बताना उचित समझा, सरलता से बता दिया जाएगा, इसलिए भागवत की कथा सुना करके और राजा परीक्षित को सज्जनों सब में ज्ञान करा दिया, भगवत तत्व का ज्ञान करा दिया सज्जनों। अंत में जब सातवां दिन हुआ, आखिरी दिन हुआ, तो राजा परिस्थिति की स्थिति अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थिति हो गई। अहम् ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम् परमं पदम् एवं समीक्षन् आत्मानम् आत्मन्याधाय निष्कले। यही अंतिम स्थिति है ब्रह्म ज्ञान की। अहम् ब्रह्म परम धाम, परम प्रकाश रूप जो ब्रह्म है, अहम् वही मैं हूं। अहम् ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम् परमं पदम्। और जो परम पद रूप ब्रह्म है, जिस पद को पा करके जीव च्युत नहीं होता है, फिर गिरता नहीं है, ऐसा ब्रह्म है। क्योंकि कोई राज पद प्राप्त कर ले, इंद्र पद प्राप्त कर ले, ब्रह्मा का भी पद प्राप्त कर ले, तो भी वो गिर जाता है, वहां से भी गिर जाता है। आ ब्रह्म भूनां लोका पुनरावर्तिनोर्जुनो माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मा जी का पद भी यदि मिल जाए तो भी वो पद से गिर जाता है, परंतु मुझे पा करके फिर उसका पतन नहीं होता है।
वो जन्म मरण के चक्कर से तुरंत छूट जाता है। इसलिए जिस पद को पा करके फिर ना गिरे, ये संसार अंधा कुआं है सज्जनों, काम क्रोध लोभ मोह दंभ मद मत्सर यही बड़े बड़े सांप बिच्छू बड़े बड़े काले नाग हैं, ये डसते रहते हैं सज्जनों, कभी काम कभी क्रोध कभी लोभ, विष चढ़ जाता है इनका, जीव सब कुछ भूल जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है। इस संसार रूपी कूप में सज्जनों इन्हीं सर्पों का निवास है, तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो निकाल देते हैं इस संसार कूप से। तो सुखदेव जी ने दया करके राजा परीक्षित को ये संसार कूप से निकाल दिया और वो सज्जनों ब्रह्म रूप हो गए, वहां से उनका पतन हो ही नहीं सकता है कभी, वो तो ब्रह्म रूप ही हो जाता है, अलगाव रहता ही नहीं है, तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है। जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त करके समुद्र रूप ही हो जाते हैं, विश्राम पा जाते हैं, ऐसे ही जीव भगवान को पा करके भगवत रूप हो जाता है, परम विश्राम पा जाता है। सज्जनों भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय भगवान की कथा ही, तो संत लोग तो सज्जनों भगवान की कथा ही सुनाते हैं, संसारी वार्ता नहीं करते। भूख लगी तो भोजन कर लिया और नहीं तो स्वयं भगवान के ध्यान में ही मगन रहते हैं। कोई आ गया तो फिर वो भगवान की ही कथा सुनाते हैं। दूसरा तो संतों के पास में काम ही नहीं, भोजन और भजन। उनको फुर्सत ही नहीं है अपने भजन से। कोई आ गया तो बस भगवान की कथा सुनाना, ये भी भजन है सज्जनों, भजनम भक्ति, भजन को ही भक्ति कहते, भगवान के ही ध्यान चिंतन में लगे रहना। हम आप देखो पुराण रामायण भागवत कुछ यदि पढ़ते हैं या सुनते हैं तो कितने सतयुग द्वापर त्रेता के महात्मा ऋषि मुनि हो गए, उनका हमको ज्ञान हो जाता है सज्जनों। रामायण सुनते हैं राम के जन्म से लेकर के और रावण के अंत करने तक की कथा सुनते हैं रामायण के द्वारा, देखो उनका ज्ञान हो जाता है, ऐसे राम थे। भागवत सुनते हैं कृष्ण की कथा तो उनका ज्ञान हो जाता है जन्म से लेकर के वो परम धाम पधारने तक। भालू बानरों की कथा सज्जनों सुनते हैं तो हनुमान जी सुग्रीव बाली और जामवंत आदिकों की ज्ञान हो जाता है सज्जनों, कितने दिन बीत गए। रावण की कथा सुनते हैं रावण का ज्ञान हो जाता है कि ऐसा राक्षस था वो, सभी साधु ब्राह्मणों को सताता था, कैसी महिमा है देखो सज्जनों ये कथा की, कितने युग बीत गए, कथा सुनने से उनका ज्ञान हो जाता है। कथा की सज्जनों ऐसी ही महिमा है।
इसलिए दूसरी भक्ति में भगवान राम ने अपनी कथा ही बताई, दूसरी मम रति कथा प्रसंगा, मेरे में ही रति माने प्रीति, वो मेरी ही कथा संतों के मुख से सुनना। ये सज्जनों कथा की महिमा, जो भगवान की कथा सुनेगा उसको भगवान का ज्ञान अवश्य ही होगा, इसमें संदेह नहीं। सज्जनों, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।